हेलो फ्रेंड्स, समाधान एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। इसको हिंदी में अव्यूह बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसके बेसिक को समझेंगे, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट है और ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है, ठीक है। तो इसी से हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स 1 2 0 से दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें सभी का कोड दिया है, RPVMC सभी में नोट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट और ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी ये क्या है, ये कॉलम है, ये हमारी कॉलम है, ठीक है। क्या है ये कॉलम, हिंदी में इसको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ, और इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। कॉलम हो गया, और ये हमारी रो है, ये हमारी रो है, इसको बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति, और इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा, देखो पहले किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि पहले आप रो देखेंगे, इसके बाद आप कॉलम देखेंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो फिर भी आप पहले क्या करेंगे, पहले रो देखेंगे। ये हम यहाँ से पहले क्या देखेंगे, पहले रो देखेंगे, फर्स्ट, और सेकंड कॉलम देखेंगे, सेकंड से कॉलम देखेंगे। तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग कैंप को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें कैंप को कैसे चेक करेंगे, आप हमेशा पीछे से चेक करना स्टार्ट करिए। जैसे 3 4 को देखेंगे, 3 4 को देखेंगे, 4 1 को देखेंगे, 1 2 को देखेंगे, चेक करेंगे। तो पहले क्या रो, तो ये हमारी सारी रो है, ये हमारी सारी रो है, और ये हमारे कॉलम है, कॉलम है। तो फर्स्ट देखिए 3 4, आपको 3 4 को चेक करना है। तो पहले क्या आपको रो देखनी है, तो ये रो 3 कहाँ है, रो ये 3 है, ये रो हो गई हमारी, और कॉलम हमारा 4, ये पी है, तो अभी ये सही है, 3 4 तो चेक करते हैं, ये सही। अब 4 1 पर देखिए, 4 1 पर पी है, हाँ तो ये भी सही है, और 1 2 चेक करिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1 2 को चेक करिए, 1 पहले रो इसके बाद कॉलम, 1 2, तो इस पर पी नहीं, डी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमको इसी में चेक करना रहेगा, इन तीनों में, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, इसको तो अब हमको चेक करना नहीं है। देखिए ये हमारा रॉन्ग हो गया, अब हम चेक करेंगे 0 4 को, कि 0 4 के स्थान पर एम आना चाहिए, क्या देखो 4 अक्षर है, 1 1 2 3 4, तो आंसर भी हमारा 4 होगा, 1 2 3 4। तो 3 4 को हम इतना चेक कर चुके, अब हम 0 4 को चेक करेंगे, 0 4 एम है, हाँ तो ये अभी हमारा सही है, और 4 2 4 2 एम, तो ये भी हमारा सही है, 1 1 1 1 पर भी एम है, तो ये भी अभी हमारा सही है। अब इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। अब इस पर फिर चलते हैं, क्योंकि अभी ये इसका हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी सही होते जा रहे हैं, सिर्फ 5 7 5 7 पर यू ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब ये भी ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 6 8 पर देखेंगे, 6 8 ए है, हाँ तो ये भी सही हो गया। अब 7 6 7 6 पर यू है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब हमारा ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो आंसर हमारा सेकंड, तो सेकंड हमारा सही हो गया, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का हमेशा याद रखिए, पहले आप रो देखेंगे, इसके बाद कॉलम, ये रूल याद रखना। यदि क्वेश्चन में भी बताते हैं कि पहले रो देखना है या कॉलम, पहले पंक्ति, जैसे किसी क्वेश्चन में भी लिख के आएगा, पहले पंक्ति बाद में
प्रथम नहीं भी दिया है तो आप क्या देखेंगे, पहले रो देखेंगे इसके बाद कॉलम देखेंगे, ये आपको याद रखना होगा। तो इसी का हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये हमारी एक एग्जांपल और देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें भी एक हमारी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें भी ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम रहता है, ठीक है। तो ये रो और ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो आपको इसमें किसका कोड बताना है, गर्ल का, गर्ल का कोड बताना है। और आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 2, आपको ऑप्शन है 5 6 2 3 5 6 और 6 7। सेकंड में है आपको ऑप्शन 5 7 8 8 3 9 6 7 एंड आपका 3 ऑप्शन दिया है 9 9 11 2 1 7 5 एंड 3 ऑप्शन में है 4 ऑप्शन है 40 3 1 4 2 2 4। तो इसमें हमें गर्ल का कोड देखना है। तो देखिए इसमें गर्ल का कोड क्या होगा तो हम चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले पीछे से चेक करना स्टार्ट करेंगे, हमेशा पीछे से ही चेक करना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखते पहले 6 7 6 7, देखिए 6 पहले रो इसके बाद कॉलम, 6 7 पर टी है, 6 7 पर टी है, रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, अब ये आंसर नहीं हो सकता। 2 पर चेक करते 6 7, इसमें भी 6 7 है तो ये भी रॉन्ग हो गया, 7 5 7 एंड 5 7 एंड 5 L, तो ये सही है। 2 4 पर चेक करिए, 2 एंड 4 पर A है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर 3 हो जाएगा, 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है और ये भी हमारा रॉन्ग है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट मैट्रिक्स दी जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स दी जाएगी और आपको किसी कोड का पूछा जाएगा। तो आपको कभी कभार आपको सिर्फ एक ही मैट्रिक्स दी सकती है, कि एक ही मैट्रिक्स दी जाए और उसी से आपको कोड पता करना होगा, ठीक है। फर्स्ट एक मैट्रिक्स होगी या दो मैट्रिक्स होंगी, और कभी कभार 3 भी दे सकते हैं, 3 मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। तो इसके कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम आज वो भी देख लेते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, तो इस आर एक मैट्रिक्स की पूर्ति करें, कुछ जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क किया है क्या आएगा। तो देखिए इसको आप समझिए कि आप कैसे, देखिए आपको ये फ्लावर दिया है, इसमें पहले 4 1 2 3 4 कलियाँ हैं, इसमें 1 2 3 है, 1 2 है, बीच में ये 1 2 3, इसमें भी 1 2 1 2 3 1 2 3 4, क्या है, एक में 4, एक में 3, एक में 4, देखिए इसमें 3 1 2 3 1 2, तो इसमें क्या है 3 भी है और 2 भी है, तो हमको क्या है 4 वाला फिल है, 4 वाला पूरा करना होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा 4, क्योंकि वही मिसिंग है, इसमें वही मिसिंग है। आप सभी में चेक कर लीजिए 4 2 और 3, ये हमारा फ्लावर है, एक में 4 कलियां हैं और इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मिसिंग इसमें कितनी हो रही है, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 वाला मिस है, तो 4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, आप देखिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया जाएगा आपको, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैट्रिक्स टाइप से ही क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। तो देखिए आपको दिया है इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बारीकी से इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। और अधिकतर इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स किसी भी, उसमें भी एग्जाम में मैट्रिक्स का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसीलिए मैंने मैट्रिक्स को पहले उठाया है जिससे आपको लॉस ना हो। तो देखिए आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें भी लिया होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा, ये हमें इस इन चारों ऑप्शन में बताना है। तो देखिए पहले इसमें एक खाना फिल है, फिर इसमें टू खाना फिल है, फिर इसमें एक खाना फिल है, इसमें भी एक खाना फिल है, फिर टू खाना फिल है, फिर वन खाना फिल है, इसमें भी एक खाना फिल, फिर टू, तो हमारा फिर क्या आएगा, एक खाना फिल। और ये हमारा सर्किल है, ये हमारा व्रत है, ठीक है। तो व्रत ही जो सर्किल होगा वही इसमें आंसर होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें एक भी खाना फिल नहीं है। और ये हमारा आयत है, ये हमारा होगा नहीं। और देखिए आपको लाइनिंग का भी ख्याल रखना है, इसमें सारी लाइनिंग इस टाइप से दी है, इस टाइप से, तो आपको इसी लाइनिंग वाले का आंसर होगा। देखिए इसमें लाइनिंग दी है इस टाइप से, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप से लाइनिंग दी हुई है। देखिए आप सारा इसी टाइप से लाइनिंग है, तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि किस टाइप से लाइनिंग दी है, तो हम नहीं तो कुछ लोग गलती से जल्दी में ये आंसर लगा के आ जाएंगे सी वाला, जबकि ये रॉन्ग है। तो आप बारीकी से हर चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको 100% श्योरिटी रहती है कि मेरा क्वेश्चन तो सही है, बट वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैट्रिक्स में सारे इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आप मान लीजिए मैंने इस टाइप से एग्जांपल दिया है, कहीं कुछ किसी टाइप से बना देंगे, बस इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा आज मैट्रिक्स फिनिक्स हो जाएगा। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का, मान लीजिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए आँख, आँख को कोड किया गया है पैर से, और हाथ को कोड किया गया है मुंह से। ये थोड़ा एक मिनट, हाथ हाथ को मुंह से कोड किया गया है, और मुंह को कोड किया गया है किससे, नाक से, नोज, एंड कान को जीभ से कोड किया गया, ठीक है। देखिए तो इसमें कहा गया है तो व्यक्ति किससे देखेगा, ये आपको बताना है। हर कोई क्या करेगा, टिक लगा देगा, आँख आँख लगा देगा, बट आँख हमारा रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। हर कोई कहता है कि आँख से देखते हैं तो हमारा आंसर आँख हो जाएगा, बट ये रॉन्ग है। बट आप ये भी तो देखिए, आँख को कोड किस वर्ड से किया गया है, आँख को कोड किया गया है पैर से, किससे किया गया, पैर से, तो हमारा आंसर क्या होगा, पैर, पैर, पैर ही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको मतलब कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि हरे को कोड किया जा रहा है नीले से, नीले को कोड किया जा रहा है पीले से, मान लीजिए जैसे हरा है, हरा उसको कोड किया गया है नीले से, ठीक है, और पीले को कोड किया गया है लाल से, ठीक है। तो आपको बताना है कि आम किस रंग का है, आम किस रंग का है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप इसमें कैसे बताएंगे, हरे को नीले में कोड कर दिया और पीले को लाल में कोड कर दिया, आप बोल देंगे कि पीला, बट पीला नहीं होगा। बट आप ये याद रखिए, यहाँ पीले को कोड किससे किया गया, पीले को लाल से कोड किया गया है, किससे, लाल से कोड किया गया है, तो आंसर हमारा लाल हो जाएगा। तो आम के लिए कोड क्या होगा,
लाल रेड। तो मैंने आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है, एंड हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको आपको अपनी तरफ से भी कोई चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हैं आपको जो पसंद है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वही चैप्टर रखूँगी, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी नया चैप्टर अगले से स्टार्ट करूँगी। आई होप मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करिएगा, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।